135 फिल्में रिलीज की हैं, पहली बार मैंने इतने सारे लोग देखे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित साहब का कि रोहित साहब ने इतनी अच्छी बड़ी फिल्म बनाई है, और आई होप हम इसे ये फिल्म जो है आप सबको भाए। और अजय जो मेरे पुराने मित्र हैं, हम दोनों ने अपना करियर साथ में ही शुरू किया था, और ऐसा शुरू किया था कि एक ही फिल्म के लिए दोनों लड़े थे। पहली फिल्म जो हमारी थी फूल और कांटे, जिसमें पहले मैं था पर मुझे धक्का मार के इसने लिया। ऐसे कई फिल्में ऐसे रही हैं आपस में, साथ में हम दोनों ने अपना करियर शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचे कि हम लोग कितनी फिल्में साथ में कर चुके हैं। साथ में मेरे हैं हमारे भाई साहब लेट लतीफ। मैं छोड़ूंगा नहीं बेटा तेरे को। 40 मिनट ये इंसान लेट आता है। हाँ, और आखिर बहाना पता क्या बनाता है, बोलता है मेरी बीवी टाउन में रहती है। मेट्रो के ऊपर उसने डाला है, बोलता है मेट्रो की वजह से कम मैं लेट आया हूँ। खैर चलो, आया तो सही। हाँ जी रणवीर, अब के ब्यूरी लिपस्टिक क्यों नहीं लगाते? प्रमोशन। मुझे पैसे निविया दे रहा है मैडम। जिस दिन के मेरा चिक कटेगा मैं के लगा लूंगा, इसमें क्या है। आहा, ट्रेलर का नशा अभी चढ़ा है। आहा, क्या ट्रेलर है यार, अच्छा लगा कि नहीं? पब्लिक आवाज करो, पब्लिक पहली बार 3-3 एक साथ, और सोने पे सुहागा कैटरीना जी आप भी। क्या डायलॉग दिया आपने, बाय गॉड दिल छू गया। Heartfelt stuff. Sir, I'm just too excited. I don't know whether I'm excited that I'm sharing screen space with my screen idols. I don't know whether to be excited for Rohit, sir. This is really a one-of-a-kind vision. Truly, like Karan said, the first of its kind. I'm as excited as an audience. Trailer ka kya kaam kya hota hai? Aapko thoda sense de ki aap cinema hall mein jaoge to aapko kaise feeling aayegi. अब ऐसी फीलिंग आएगी, आप सोच सकते हो पूरा 2.5 घंटे के बाद क्या फीलिंग आएगी आपको। बार बार जाओगे, टिकट बुक कर लो, पब्लिक आ रही है पुलिस। मैं कुछ चीजें लाया हूँ जो रणवीर सिंह लेके आया था। ये पानी, ये लिपस्टिक पता नहीं क्या है ये। वो मैंने अजय सर की पप्पी लेनी थी तो मैं लिप्स मॉइस्ट कर रहा था मैं। ये पानी की बोतल, तांबा है सर, इको फ्रेंडली। और ये दांत साफ करने के लिए। ये तू तीनों चीजें लेके क्यों? ये आपके बेनिफिट के लिए है सर। मेरे मैं आपके सामने बैठा था ना तो मैं ऐसे ऐसे पास पास आके बोल रहा था क्या ट्रेलर है बॉस, क्या ट्रेलर है बॉस। बेटे मेरे बेनिफिट के लिए अगर तू सही टाइम पे आ जाता वही बहुत होता। अच्छा बाय द वे हम लोग लेट नहीं होते, इसने लेट कराया आज, आप लोगों को वेट कराया 40 मिनट। वो उनको पता है। आ, पता है ना, those who don't know, अभी ये ले तेरी लिस्ट। अक्षय सर ने उठक बैठक करवाई है रणवीर सिंह से बिहाइंड द स्टेज। हाँ क्यों नहीं, तुम लोग को अलग मजे लूटने हैं। 135 फिल्में रिलीज की हैं, पहली बार मैंने इतने सारे लोग देखे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित साहब का कि रोहित साहब ने इतनी अच्छी बड़ी फिल्म बनाई है, और आई होप हम इसे ये फिल्म जो है आप सबको भाई। और अजय जो मेरे पुराने मित्र हैं, हम दोनों ने अपना करियर साथ में ही शुरू किया था, और ऐसा शुरू किया था कि एक ही फिल्म के लिए दोनों लड़े थे। पहली फिल्म जो हमारी थी फूल और कांटे, जिसमें पहले मैं था पर मुझे धक्का मार के इसने लिया। ऐसे कई फिल्में ऐसे रही हैं आपस में, साथ में हम दोनों ने अपना करियर शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचे कि हम लोग कितनी फिल्में साथ में कर चुके हैं। साथ में मेरे हैं हमारे भाई साहब लेट लतीफ। मैं छोड़ूंगा नहीं बेटा तेरे को। 40 मिनट ये इंसान लेट आता है। हाँ, और आके बहाना पता क्या बनाता है, बोलता है मेरी बीवी टाउन में रहती है। मेट्रो के ऊपर उसने डाला है, बोलता है मेट्रो की वजह से कम मैं लेट आया हूँ। खैर चलो, आया तो सही। हाँ जी, बहुत था उसके घर गया, उसको मैंने बहुत मारा, टांगे वांगे तोड़ दी उसकी, आजकल चल भी नहीं पा रहा है। ये सब जो खबरें आपको मिलती है पता नहीं कहाँ से मिलती हैं, तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
मालूम नहीं मेरे को, तो पब्लिक बताएगी इतना कौन सोचता है। और होली की कोई याद? मैं होली खेलते सबसे सबसे हम सब निकलना है, दो दिन निकलता है, बहुत बेकार काम है। ये होली नहीं खेलते, बचपन में थोड़ी बहुत खेलते थे अपनी। रोहित क्या टाइप दू, मतलब तू सोचता नहीं और क्या। तू कितने बजे सो के उठता है सर? सच्ची ऑनेस्टली वाला बताओ। ऑनेस्टली वाला सर 12 बजे तक उठता हूँ सर मैं। ये 4 बजे उठता है, एक शिफ्ट खत्म हो जाती है 12 बजे तक। जेन्युइनली बट सर सोता भी लेट हूँ सर, इसलिए जब तक हम लोग उठते हैं ये एक फिल्म खत्म कर चुका हूँ। और मैं पहले इसको बोला करता था कि पहले मैं जब मैं पहुंचता था, ये सुबह आया होता था जब हम पहले काम करते थे, तो मैं इसको एक ही चीज बोलता था, तू दूध वाला था क्या? अच्छा हम दोनों आज साथ में इसलिए हम दोनों एक चीज कहना चाहते हैं अपने अपने फैन क्लब्स को। लेटली हम आपस में बात करते रहते हैं कि हमारे जो फैंस हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं बहुत। तो सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज दरख्वास्त करते हैं कि आपस में ना लड़ें। बीच में कौन पिस रहा है? साथ हैं, एक बीच में कौन पिस रहा है? रुक जा बेटे, मैं तो खेल ही नहीं रहा। अरे यार हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, तू बीच में घुस रहा है। तो प्लीज ना लड़े, हम लोग एक साथ हैं, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ। आपस में जितने भी हमारे फैन क्लब्स हैं आपस में मिलके रहें और हम दोनों एक ही साथ हैं और ये फिल्म भी मिलके जुलके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैडम पूछ लीजिए, मैडम कौन है, कहाँ है? दिख नहीं रहा, हाल के हो गए इतनी बड़ी फिल्म बना के। कपड़े फट गए बेचारे के, घुटने दिखा रहे, देखो घुटने पे आ गई। भैया जब ये यूनिवर्स सेट हो जाता है तो ये रोहित शेट्टी का यूनिवर्स है, इसमें सब बहुत कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाते हैं। मेरा कोई हाथ नहीं है टू गेट दीज मेगा मूवी स्टार्स इन वन फ्रेम, देयर इज वन मैन रिस्पॉन्सिबल, वी आर वेरी हैप्पी टू स्टैंड बिहाइंड हिम।